नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल सरवन जीएस क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोग हिस्ट्री के द्रव्यमान में गुप्त काल को पढ़ रहे थे और इसी गुप्त काल के समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार की नालंदा डिस्ट्रिक्ट से संचालित होता था वो मतलब विख्यात था। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। दोस्तों वही नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार की धरती से संचालित होता था, ये पटना से लगभग 40 मील दूर है और राजगिरी से लगभग 8 मील दूर है, जो नालंदा में पड़ता है आपका। ठीक है, और कहा जाता है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में मतलब पढ़ता था। यहाँ 10,000 छात्र पढ़ाई करते थे, लगभग कुछ पुस्तकों में 1510 अध्यापक दिए गए हैं, कुछ में 2000 अध्यापक, यानी लगभग ये दोस्तों कि 5 से 7 स्टूडेंट में एक गुरु हुआ करता था। और कहा जाता है कि यहाँ विदेशों से छात्र पढ़ने के लिए आता था, मध्य एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, चीन से, जापान से, तिब्बत से, मलेशिया से, अन्य और कई सारे देशों से यहाँ छात्र पढ़ने के लिए आता था। और ये बिहार की वही धरती है दोस्तों जहाँ पे पढ़ने के लिए उस समय छात्र जो है अपने आप को, अगर कोई यहाँ एडमिशन को जाता था जिस छात्रों का, वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे कि मेरा एडमिशन जो है नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में हुआ। कहा जाता है कि विदेशों से छात्र आता था पढ़ने के लिए, 100 छात्र जब पढ़ने आता था तो मात्र 10 का सिलेक्शन होता था, इंटरव्यू होता था उसका। ठीक है, और उस समय कहा जाता है कि जो नालंदा में पढ़ के अपना घर जाता था उसको वहां पे उस देश में उसका सम्मान होता था, उसका चरण धो के पीता था लोग। और बिहार की धरती को गुरुओं की धरती माना जाता था दोस्तों, एक समय ऐसी ख्याति थी बिहार की। ठीक है, और आज वही बिहारियों का क्या स्थिति है दोस्तों, आप सोचिए कि बिहार में जो छात्र पढ़ के जाता था उसका मतलब कि सम्मान होता था, उसका चरण धोया जाता था, अगर बिहार के लोग वहां जाते होंगे तो उसका कितना सम्मान होता होगा। गुरुओं का धरती माना जाता था बिहार को, और आज वही बिहार का शिक्षा व्यवस्था देखिए दोस्तों, दुर्भाग्य है इस बिहार का। ठीक है, दुर्भाग्य है इस बिहार का कि यहाँ के भ्रष्ट लोगों ने इसको नष्ट कर दिया है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखिए कि पूरे भारत में सबसे मतलब कि जो स्लो चलता है सेशन बिहार की यूनिवर्सिटी का चलता है। दुर्भाग्य है, एक समय में बिहार गुरुओं की धरती कहलाता था दोस्तों, और आज वही बिहार की स्थिति देखिए। तो कहीं कहीं हम सब मिल करके फिर उसी बिहार को बनाने का प्रयास करेंगे और एक ना एक दिन जरूर होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, किस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय अपनी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त किए थे और पूरी दुनिया में फेमस हुए थे उस समय, और एकमात्र विश्वविद्यालय था जहां पढ़ने के लिए पूरी दुनिया से छात्र आया करते थे और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे कि हम नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं, जैसे आज आप लोग पढ़ के आते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो उस समय उससे भी ज्यादा प्रख्यात था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज जानेंगे पूर्ण रूप से नालंदा के बारे में जो बिहार की धरती से संचालित होता था। सौभाग्यशाली है हम लोग कि इस बिहार की धरती में जन्म लिए हैं, वही गौतम बुद्ध की धरती है, वही महावीर की धरती है जहां गुरुओं गुरु ही गुरु उत्पन्न होते थे। और आज भी बिहार में बिहार की जो प्रतिभाशाली में वो कमी नहीं है दोस्तों, कमी नहीं है, बस इसको दबा दिया जाता है। ठीक है, आज भी उस बिहार की धरती में प्रतिभाशाली लोग जन्म लेते हैं, आज भी सबसे ज्यादा IAS भारत को बिहार ही देता है, लेकिन दुर्भाग्य है हर बिहारियों को आज धक्का खाना पड़ता है, बिहारी के नाम पे लोग गाली देते हैं। ठीक है, समझना चाहिए इनके इतिहासों को। ठीक है, जिस दिन बिहारी अपने आप को समझ लेंगे कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, उस समय भारत के साथ साथ बिहारियों का भी सम्मान होने लगेगा। ठीक है, चलिए तो हम आज जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, एकदम डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, जो नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी है इसके बारे में एकदम कब बना, कैसे बना, कैसे आया स्रोत में, एक एक करके चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए तो कहा जाता है कि इसकी जानकारी मिलता है ह्वेनसांग से, इसकी जो जानकारी का स्रोत है। ठीक है, इसका जो जानकारी का स्रोत है ये सिर्फ और सिर्फ इसका पुरातात्विक स्रोत पता चलता है, पूरा तात्विक स्रोत है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल स्रोत ही सिर्फ है, क्योंकि जितने भी पुस्तकें थी बख्तियार खिलजी ने जब इसमें आग लगा दिया तो कहा जाता है कि ये ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए, इसलिए इनकी जानकारी का स्रोत जो है सिर्फ पुरातात्विक स्रोत पर है। और ह्वेनसांग का जो पुस्तक है सी क्यू की, जिसको विली ने लिखा है, ठीक है, उससे इनकी जानकारी मिलती है। एक तो उनका है ह्वेनसांग का पुस्तक है, ह्वेनसांग, अभी चर्चा करते हैं दोस्तों इसके बारे में, ह्वेनसांग की पुस्तक है। ठीक है, इसका नाम है सी क्यू की, ये पुस्तक है, इसको लिखा है विली ने लिखा है इसको। ठीक है, ये ह्वेनसांग की जीवनी लिखे विली ने, ठीक है, इसी से इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि इसकी जानकारी का पता कैसे चलता है, एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं।
एक पूरा तत्वविद है हैमिल्टन बोकानन साहब थे, ठीक है, एक पूरा तत्वविद थे, उसका नाम था हैमिल्टन बोकानन। देखिए एक एक करके इसके बारे में सब चीजें चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि हैमिल्टन बोकानन साहब को 1812 ईस्वी में, ठीक है, 1812 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो है ह्वेनसांग का पुस्तक मिला, CQT, इनको जो है 1812 ईस्वी में, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं OF लिख देते, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो पुस्तक मिले, कौन सा पुस्तक, यही CQT इनको प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी के आधार पे ह्वेनसांग को जब ये पुस्तक मिला तो इसमें ह्वेनसांग ने जो बातें लिखी है उसके बारे में जब इसने पढ़ा, इसके बारे में, इस मतलब पुस्तकों को, इस विद्यालय के बारे में जब पता चला, ठीक है, तो कहा जाता है कि ये इसमें ये दिया गया है कि ह्वेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे, ये यहाँ पे आए थे 630 ईस्वी में और 645 ईस्वी में ये वापस गए थे। ह्वेनसांग नालंदा में ये पढ़ाई किए थे, ठीक है, और इसने जो है इसने अपने समय में जिन जिन चीजों को देखा इस विश्वविद्यालय के बारे में उन सब का जो है बारीकी से अध्ययन किया और इसी से इनकी जानकारी का पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पुस्तकें थी उनपे जब बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया तो वो सब नष्ट हो गया, तो ये तो अपना मतलब ये तो चीन लेकर के चल गया था, तो उनका पुस्तक वहां था, इससे जो है पता चला। तो देखिए ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, कहा जाता है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय में ये 15 वर्ष तक रहे, 630 से 645 तक रहे, 630 से 645 ईस्वी तक रहे, और इस द्रव्यान में ये कहा जाता है कि ये 5 वर्ष तक विद्यार्थी रहे और 10 वर्ष तक खुद ये पढ़ करके यहाँ का अध्यापक रहे। सोचिए दोस्तों कैसा यूनिवर्सिटी रहा होगा कि जब यहाँ इस छात्रों को पढ़ाया जाता था तो वो इस लेवल का हो जाता था कि वो शिक्षा देने योग्य हो जाता था, और आज का शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, ठीक है, सोचिए। तो ये जो है 5 वर्ष तक क्या रहे, 5 वर्ष तक विद्यार्थी रहे और 10 वर्ष तक शिक्षक रहे ये, और यहाँ पे वो 10 वर्ष तक शिक्षा भी दिए थे, और कहा जाता है कि जब ये शिक्षा देकर के वापस चीन जा रहे थे तो इनको जो है 657 पुस्तक गिफ्ट के रूप में दिया गया था, ठीक है, इनको जो है 657 पुस्तक गिफ्ट के रूप में दिया गया था और ये लेकर के गए थे, और इसी से इसमें से कहा जाता है इसमें 657 पुस्तक जो था इसमें कौन कौन पुस्तक था, इसमें जूडो कराटे के पुस्तक थे, इसमें एक्को प्रोसर के पुस्तक थे, इसमें विपासना के थे, कुटिल का अर्थशास्त्र, परमाणु का फार्मूला, ये सब पुस्तकें जो है इनको दिया गया था, और उसी परमाणु फार्मूला के आधार पे चाइना आज इतना डेवलप है दोस्तों, उसी का अध्ययन करके शायद अगर बिहार का नालंदा यूनिवर्सिटी ध्वस्त नहीं होता तो शायद हमारा देश टेक्नोलॉजी में कुछ और होता अभी, ठीक है, कुछ और होता। तो कहा जाता है 657 पुस्तक गिफ्ट में दिया गया था, अब कहा जाता है कि 1905 ईस्वी में इस तरीके से जब पता चला इनको हैमिल्टन बोकानन साहब को जब पता चला इसके बारे में, इन सब चीजों के तथ्य के बारे में जब पता चला, तो 1905 ईस्वी में उस समय अंग्रेजी शासन ही था हमारे देश में, लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। आप लोगों को जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाए थे तो वहां भी चर्चा किए थे, पुरातत्व विभाग की स्थापना किया और इसी के आदेश से, ठीक है, तो देखिए 1905 में क्या हुआ, ठीक है, 1905 में जब लॉर्ड कर्जन थे यहाँ के वाइसराय, थे, इसी के आदेश से जो है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया था इसी के संरक्षण में 1905 में, और इसी के आदेश से 1915 से 1940 तक ये जो पटना का जो जहां पे ये प्राप्त हुआ है, सॉरी नालंदा में, ठीक है, वहां पे उत्खनन कार्य किया गया 1915 से 1940 तक, लगभग 25 साल तक इसका उत्खनन कार्य किया गया, ठीक है, तो इसका जो उत्खनन कार्य किया गया है 1915 से 1940 के बीच में इसको खोद के निकाला गया, क्योंकि ये धस गया था नीचे अंदर, ठीक है, और इसका उत्खनन कार्य में वही थे कनिंघम महोदय साहब थे, दयाराम सहनी, रखालदास बनर्जी, इन सब के संरक्षण में इस विश्वविद्यालय को जो है उत्खनित करके निकाला गया, ठीक है, इन सब के संरक्षण में इस विश्वविद्यालय को उत्खनन करके निकाला गया। एक सेकंड दोस्तों, देखिए
अब देखिए 1915 से 40 तक निकाला गया, जब वर्तमान में इसको निकाला गया ठीक है, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, उस समय की स्थिति क्या था, इस सब को हम लोग पढ़ेंगे ठीक है। तो इसमें लिखा क्या गया है, जब इस मतलब कि विश्वविद्यालय के बारे में पता चला कि इसमें क्या क्या स्थिति है, इसका क्या क्या हालत है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं एक-एक करके ठीक है। तो कहा जाता है कि इसने ह्वेनसांग ने लिखा है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है देखिए देखिए कहा जाता है इसमें राजाओं का क्रम है, उसमें कौन कौन सा राजा सबसे पहले यहाँ पे जो नालंदा का क्षेत्र है वहां पे ये आपका बिहार की धरती था, गौतम बुद्ध की ज्ञान की धरती है, बोध गया वहीं पड़ता है आपका बगल में ठीक है, गया पड़ता है वहां से कुछ दूर है। तो देखिए तो हम लोग चर्चा करते हैं कि कहां से इनकी जानकारी का स्रोत मिलता है। सबसे पहले अशोक जब शासक बने थे अशोक ठीक है, तो आपको पता है कि इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी पटना ठीक है। अशोक जब शासक बने थे जहां पे जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो पहले बिहार था, बिहार का मतलब आप लोगों को बताए थे जब बौद्ध धर्म पढ़ा रहे थे कि जहां बौद्ध भिक्षु लोग यात्रा करने के दरमियान में रुक जाते थे, यानी कि वो 12 मास तक यात्रा करते थे, 12 मास में जो है तीन से चार महीना जो वर्षा का मौसम होता था वो एक स्थान में रुक जाते थे, और जहां रुकते थे उसको बिहार कहा जाता था। तो अशोक के समय में वहां पे एक बिहार बनाया गया था, सारिपुत्र बुद्ध विहार के नाम से था ठीक है। अशोक ने एक स्तूप बना दिया था वहां, सारिपुत्र स्तूप, बुद्ध के ये शिष्य थे सारिपुत्र। तो अशोक ने जो है वहां पे जो एक स्तूप बनाए थे वो आज भी है स्तूप बनाए थे अशोक ने सारिपुत्र स्तूप, सारिपुत्र, क्योंकि ये सारिपुत्र कौन थे, ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे सारिपुत्र ठीक है, ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। और ये कहाँ बनाया गया था, ये जो बनाया गया था उस समय जो इसका नाम आता है, ये पहले बड़गांव गांव हुआ करता था यहाँ पे ठीक है, ये हुआ करता था बड़गांव। और इसको जैन ग्रंथ में इसको कुंडलपुर कहा गया है, जैन ग्रंथ में कुंडलपुर कहा गया है इसको ठीक है। तो यही कुंडलपुर में या बड़गांव ग्राम में अशोक ने जो है एक स्तूप का निर्माण किया, सारिपुत्र स्तूप, क्योंकि गौतम बुद्ध सारिपुत्र गौतम बुद्ध के शिष्य हुए सारिपुत्र इसी के नाम पे ठीक है। और यहाँ पे कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो है नालंदा में तीसरा उपदेश दिए थे, आपको पता है कि प्रथम उपदेश वो सारनाथ में दिए, जहां पे सारनाथ स्तूप का भी निर्माण किया गया है, आज भी है ठीक है, आप लोग जाइएगा जरूर घूमिएगा वहां। और वही सारनाथ में अशोक स्तंभ बनाया गया था, जो अशोक स्तंभ तिरंगा झंडा पे है ठीक है, मैं वहां गया हूँ उसको देखा हूं, आज भी वो जो अशोक चक्र का जो वो बना हुआ है, जो चार शेरों का निर्माण किया गया, आज भी उतना ही चमकता है ठीक है। तो मतलब गौतम बुद्ध यहाँ तीसरा उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश सारनाथ, द्वितीय उपदेश राजगिरी, और तीसरा उपदेश वो यहीं पे दिए थे ठीक है, तीसरा उपदेश यहीं दिए थे, उसके बाद ये वैशाली चले गए थे ठीक है। और कहा जाता है कि अशोक ने एक यहाँ पे स्तूप का निर्माण किया, उसके बाद जब शासक आया अशोक के बाद गुप्त वंश में कुमार गुप्त के बाद कई सारे शासक ने जो है क्रम वाइज क्रम इसमें योगदान दिया, जो हम लोग सबको देख लेते हैं ठीक है। देखिए अब कुमार गुप्त के बाद इसमें आया कुमार बुद्ध गुप्त के बाद तथागत गुप्त, उसके बाद बालादित्य गुप्त, उसके बाद वज्र ठीक है। देखिए कुमार गुप्त के बाद बालादित्य गुप्त ठीक है, बुद्ध गुप्त तथागत इन सब का क्रम वाइज क्रम सबका योगदान है, उसके बाद बालादित्य गुप्त बालादित्य के बाद वज्र, इसके बाद जो है वज्र के बाद हम इधर लिख देते हैं, इसके बाद आता है हर्षवर्धन के बाद पाल शासक का योगदान है, पाल शासक में धर्मपाल, देवपाल, शिशुपाल, गोविंदपाल, इस सब का योगदान है इसमें ठीक है। तो मतलब हर्षवर्धन के बाद पाल शासक इसका योगदान, एक क्रम वाइज क्रम एक एक राजाओं ने योगदान दिया, क्या क्या योगदान दिया देखिए, अब एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए
अब देखिए ये जो पुस्तक है ह्वेनसांग का सीख लू की, इसमें क्या उल्लेख आता है। इसमें ह्वेनसांग कहते हैं, ये कहता है कि सकरा द्वीप ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाया। देखिए सबसे पहले अशोक आए, इसने एक स्तूप बनाया, सारे पुत्र स्तूप, ठीक है। उसके बाद जब कुमार यानी कि सकरादित, ये ह्वेनसांग कहता है सीख यू की पुस्तक में कि सकरादित ने बौद्ध विहार बनाया, नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाया। तो वो सकरादित कौन है? तो सकरादित को कुमार गुप्त को वो सकरादित कर दे, गुप्त शासक कुमार गुप्त को सकरा गुप्त, यानी कि कुमार गुप्त जब आए उसके बाद स्तूप के बाद इसने क्या बना दिया? विहार, ठीक है, विहार बना दिए। यानी विहार जहां बौद्ध भिक्षु घूमते थे, स्तूप का मतलब जहां बौद्ध भिक्षु लोग पूजा पाठ करते थे, ठीक है। उसके बाद विहार बनाया। उसके बाद ये कहते हैं ह्वेनसांग आगे कहते हैं कुमार गुप्त के बेटे बुद्ध गुप्त ने भी यहाँ पे बौद्ध विहार बनाया। यानी कि कुमार गुप्त के बाद जब बौद्ध गुप्त आया, इसने भी एक विहार बनाया। और इस तरीके से करम वाइज करम तथागत गुप्त, बालादित गुप्त, वज्र, इन सब ने यहाँ पे विहार बनाया और लगभग 5 विहार का निर्माण किया। यानी कि इन क्षेत्रों में इस तरीके से मान लीजिए ये विहार बनाया, बड़ा बड़ा था, ठीक है, 5 विहार का निर्माण किया। उसके बाद ये कहते हैं, उसके बाद ह्वेनसांग कहते हैं कि इसके बाद यानी कि वज्र शासक के बाद जो है, यानी गुप्त शासक के बाद, मध्यकाल के शासक ने, मध्यकाल के राजा ने विहार के चारों तरफ जो है चहरदीवारी का निर्माण किया। यानी मध्यकाल का शासक का मतलब हो गया वज्र के बाद कौन है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जब आए तो इसने क्या किए, इसके चारों तरफ दीवार दिला दिए, ठीक है। देखिएगा पहले ये क्या था, पहले यहाँ पे एक एक विहार और स्तूप का निर्माण किया गया। जब हर्षवर्धन शासक आए, 6 सदी में आए थे, 7 सदी में हर्षवर्धन आए थे, ठीक है। तो जब हर्षवर्धन शासक आए तो इसने यहाँ एक दीवार का निर्माण कर दिया और इसने भी एक विहार इसमें बनाया, इसने भी एक विहार इसमें बनाया। और उस विहार, हर्षवर्धन ने जो इसमें विहार बनाया उसको ताम्र विहार कहा जाता है, उसको जो है ताम्र विहार, क्योंकि उस विहार में इसने तांबे का उपयोग किया था, इसलिए उसको ताम्र विहार कहा जाता है, ठीक है, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के समय कहा जाता है कि हर्षवर्धन ने इसको क्या किया, इसमें दीवार दे करके इसको विश्वविद्यालय के रूप में कन्वर्ट कर दिया। यानी वही विहार को जो है इसने, उस बिल्डिंग, जो बिल्डिंग बना हुआ था उसको जो है शिक्षा का केंद्र बना करके उसको विश्वविद्यालय के रूप में, शिक्षकालय के रूप में जो है उसका उपयोग किया और इसको विश्वविद्यालय बना करके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया। और इसी समय हर्षवर्धन के समय ये पूरी दुनिया में फेमस हुआ करता था ये विश्वविद्यालय, और पाल वंश के समय तो और ख्याति प्राप्त कर लिया था, लेकिन हर्षवर्धन के समय से ही ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए, तो इस प्रकार से ये विश्वविद्यालय कहा जाता है, इसकी जो लंबाई है ये लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, और इसकी जो चौड़ाई है ये 5 किलोमीटर क्षेत्र में पूरा में फैला हुआ था उस समय, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ था। अब देखिए उसके तो सबसे पहले यहाँ बिल्डिंग का जो निर्माण किया था वो सकरादित कुमार गुप्त ने किया था, ठीक है। यानी कि सबसे पहले ये तो अशोक तो स्तूप बनाए थे, लेकिन सबसे पहले बिल्डिंग का निर्माण किसने किया? कुमार गुप्त ने यहाँ पे विहार बनाया। इसीलिए नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कुमार गुप्त को माना जाता है, ठीक है। तो कुमार गुप्त क्या हो जाएंगे? संस्थापक, याद रखिएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन भी यहाँ से आता है, तो संस्थापक हो जाएंगे कुमार गुप्त, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा मतलब ख्याति प्राप्त हुआ हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय हुआ, इसी समय अंतर्राष्ट्रीय मतलब ख्याति भी इसने प्राप्त किया। तो ये याद रखिएगा, संस्थापक कुमार गुप्त, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किसके समय प्राप्त हुआ? हर्षवर्धन के समय। विश्वविद्यालय के रूप में किसके समय कन्वर्ट हुआ? हर्षवर्धन के समय कन्वर्ट हुआ, ठीक है। और इस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमाण मिलता है कि इस तरीके से नालंदा विश्वविद्यालय था। लेकिन अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की संरचना की बात करें, वो किस स्ट्रक्चर में बना हुआ था, ठीक है। तो देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, इसके बाद आप संरचना लिख लेंगे नालंदा विश्वविद्यालय की संरचना, ठीक है। देखिए अगर हम संरचना की बात करें तो कहा जाता है कि यह नालंदा विश्वविद्यालय 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र में था, और इसमें कहा जाता है कि 10,000 कक्षा था और इसमें 10,000 छात्र पढ़ता भी था, ठीक है। 10,000 छात्र इसमें पढ़ता भी था, ठीक है, छात्र पढ़ते थे इसमें, 10,000 छात्र पढ़ाई करते थे, ठीक है। और इसमें जो मंजिल, इसमें जो इसका जो निर्माण किया गया है वो आज भी आप जाइएगा, ठीक है, ये लाल पत्थर और ईंट का इसमें उपयोग किया गया है। इसका जो निर्माण है ये लाल पत्थर से प्लस में ईंट का मतलब प्रमाण मिला है,
लाल पत्थर और ईट का प्रमाण इसमें मिला है, इसको बनाने में इसका उपयोग किया गया है। ठीक है, और इसमें जो मंजिलें जो पाई गई, जो इसका भवन है, ये पांच पांच मंजिल का भी पाया गया है। और सामान्यतः जो ज्यादातर मंजिल है वो दो, मतलब ज्यादातर जो भवन है वो दो मंजिल का होता था, लेकिन सामान्य भवन जो है कुछ भवन पांच मंजिल का भी पाया गया है। और जो यहाँ लाइब्रेरी बना हुआ था, मतलब पुस्तकालय जो बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है, पुस्तकालय जो मतलब बना हुआ था, तो कहा जाता है कि नौ मंजिल का पुस्तकालय बना हुआ था, नौ मंजिल का पुस्तकालय बना हुआ था। और तीन पुस्तकालय जो था बहुत फेमस था, इसका नाम भी है, इसमें तीन पुस्तकालय पाया गया है। इसमें एक पुस्तकालय का नाम है रत्नदीप, रत्न सागर और रत्न रंजक। ठीक है, तो देखिए तीन पुस्तकालय का नाम है रत्नदीप, एक है आपका दूसरा रत्न सागर, रत्न सागर, ठीक है, और रत्न रंजीत, रत्न रत्न सागर, रत्न रंजक, रत्न रंजक, रत्न रंजक और रत्नदीप, ये तीन पुस्तकालय है। और कहा जाता है कि नौ मंजिल का था बना हुआ, और इसमें से लगभग लगभग नौ मिलियन पुस्तक रखा हुआ था, नौ मिलियन पुस्तक रखा हुआ था। जब बख्तियार खिलजी ने आग लगाया, कहा जाता है ये पुस्तक अगले छह महीना तक जलते रह गया था। ठीक है, अगले छह महीना तक ये पुस्तक जो है जलते रह गया था। आज इस पुस्तक में जो है गणित का पुस्तक था, वैद्य का था, चिकित्सा का, जूडो कराटे का, अर्थशास्त्र का, इन सभी पुस्तक जो है इसमें पाया गया था। इसकी संरचना कुछ इस तरीके से था कि 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ था, पूरा प्रकृति से लेस था ये। ठीक है, वहां पे एक छात्र जो होता था, यहाँ पे देखिए कहा जाता है कि यहाँ पे 10,000 छात्र था, तो यहाँ पे लगभग कहीं 1510 गुरु का प्रमाण मिला है, कहीं पे 2000 गुरु बताया जाता है, यानी जो भी है। लेकिन अनुपात अगर इसका देखा जाए तो 1:7 है, यानी कि एक शिक्षक पे 7 स्टूडेंट होता था। सोचिए, एक गुरु होते थे और 7 छात्र होते, उनको बैठ के पढ़ाया जाता था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ का सिस्टम बना हुआ था। तो इसका संचालन कैसे होता था, इतनी बड़े विश्वविद्यालय का संचालन कैसे होता था? ठीक है, कहा जाता है इसका संचालन के लिए जो है कुछ, मतलब परिषद के माध्यम से इसका संचालन होता था। अब प्रशासन का संचालन के लिए दो परिषद का निर्माण किया गया था। देखिए, इसका संचालन कैसे होता था, इसका संचालन तो संचालन परिषद के माध्यम से होता था, दो परिषद के माध्यम से होता था। ठीक है, इसमें दो परिषद बना दिया गया था, एक बौद्ध परिषद नाम था उसका, बौद्धिक परिषद और प्रशासनिक परिषद। ठीक है, इसमें दो परिषद से इसका संचालन होता था, एक बौद्धिक परिषद और एक प्रशासनिक परिषद, प्रशासनिक परिषद। ठीक है, इस दो परिषद के माध्यम से इसका संचालन होता था। ठीक है, और इस परिषद को कर जो है कहां से मिलता था, यानी टैक्स इसको कैसे मिलता था, कैसे ये संचालित होता था? तो कहा जाता है कि यानी इसका संचालन के लिए, इसका निर्माण में राजा का भी योगदान था। ठीक है, कहा जाता है कि करम वाइज करम, जब राजा आते थे तो राजा क्या करते थे, जैसे जिस मतलब ये मगध में पड़ता था, तो राजा बहुत सारे क्षेत्रों को, गांव का जो टैक्स होता था वो सबको यहां दे देता था नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए। उसके बाद देखिए, बहुत स्पष्ट प्रमाण तो नहीं आता है, लेकिन कहा जाता है कि जब यहाँ से छात्र पढ़ने के लिए पढ़ के जब जाते थे तो वो दक्षिणा के रूप में जो है उनका पिता वहां से बहुत सारा संपत्ति भेजता था। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए बहुत सारा आधार था, इसने राजाओं में, इसमें विकास का मतलब राजाओं ने तो योगदान दिया ही। हर्षवर्धन कहता है, हर्षवर्धन के समय हर्षवर्धन कहता है कि हर्षवर्धन ने 100 गांव राजस्व के संचालन के लिए, यहाँ के जो राजस्व का संचालन के लिए जो है 100 गांव दान में दिया। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का संचालन के लिए हर्षवर्धन क्या किए, हर्षवर्धन इसने जो है 100 गांव का जो जितना भी टैक्स आता था वो नालंदा विश्वविद्यालय में भेज देते थे। ठीक है, उसके अलावा कहा जाता है, फिर ये कहता है कि 200 लोग चावल, घी, दाल, ये सब आदि दान करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि 200 लोग का मतलब 200 बड़े बड़े राजा महाराजा। ठीक है,
चावल देते हैं, घी देते हैं, दाल देते हैं, यानी कि इसका संचालन जो है समाज के सहयोग से भी होता था, राजा से भी होता था, प्लस में जो छात्र यहाँ से पढ़ के जाते थे तो वो सम्मान में कि ये स्कूल विश्वविद्यालय चलता रहे, ठीक है, चलता रहे, वहां से भी राजा महाराजा लोग जो है यहाँ पे योगदान देता था, क्योंकि विदेशी में विश्वविख्यात प्राप्त यहाँ जो शिक्षा ग्रहण करके जाता था वो वास्तविक शिक्षा, वो यहाँ विज्ञान की भी शिक्षा दी जाती है, गणित की भी शिक्षा दी जाती थी, पारंगत होकर के छात्र जाता था, और जब यहाँ से जाता था तो उनका मतलब जो मतलब उनका पिताजी या गार्जियन उनके बहुत खुश होते थे, खुश होकर के ये विश्वविद्यालय चलता रहे उसके लिए बहुत बड़ी अपार धन संपत्ति दान में देते थे, ठीक है, और इस तरीके से स्कूल का संचालन होता था, विश्वविद्यालय का संचालन होता था, ठीक है। तो कहीं कहीं विश्वविद्यालय जो है आम जनता, राजा और छात्रों के सहयोग से चलता था। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय से प्रभावित होकर के जो है दक्षिण पुरेशिया यानी जावा सुमात्रा द्वीप के जो शासक थे, ठीक है, बाल पुत्र देव ने नालंदा में एक मठ बनवाया था। देखिए हम एक मैप बनाते हैं आप लोगों के लिए, उधर बताते हैं इधर मैप बनाते हैं, क्योंकि मैप का तो जरूरी है ही। तो देखिएगा इसमें जो है आम लोग भी सहयोग करते हैं, प्लस में राजा भी करते हैं, प्लस में छात्र के जो पढ़ने आते थे वो भी उनका सहयोग से ये संचालन होता था। अब इसके अलावा जो है, ठीक है, बहुत सारे राजा महाराजा ने इसमें योगदान दिया है उसका भी कुछ का नाम आता है, जैसे हम लिख देते हैं। देखिए हम एक फिगर एशिया का मैप बना देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। हम अफ्रीका एशिया दोनों बनाएंगे और ऑस्ट्रेलिया, तब ज्यादा समझ में आएगा। छोटा सा ही मैप बनाते हैं, आप लोग भी प्रयास कीजिएगा मैप बनाने का, अगर मैप बना लिए तो आपसे बेहतर फिर कोई नहीं होगा राइटिंग लिखने में, ठीक है। आप जब स्किल लिखने का स्किल जब सीख लेंगे मैप तो सोचिए कि आप बहुत बेहतर लिख लेते हैं। ये आपका इंडिया, ये आपका कोरिया, कमचटका प्राइविंग कहा जाता है उसको, यूरोप का तो जरूरत है नहीं उसको, यूरोप क्या बनाएंगे समय ये एशिया, ये आपका यहाँ पर था आपका इंडोनेशिया का जावा सुमात्रा द्वीप, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारा, ये मलय द्वीप, यही सिंगापुर है, ठीक है, यहाँ फिलीपींस है, यहाँ ताइवान, यहाँ जापान है, यहाँ पे आपका ये जापान, ठीक है, और इधर आपका इधर ऑस्ट्रेलिया है, तो हम इधर ऑस्ट्रेलिया बना देते हैं छोटा सा, ठीक है, ये मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, सिम्बोलिक आप समझिए ना। अब देखिए यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय चलता है, यहाँ है नालंदा, ठीक है, नालंदा, और उस समय जहाँ पे ये जो बंगाल का क्षेत्र है, ये बंगाल में यहाँ पे पाल शासक था, जब पाल शासक था विदेशी व्यापार होता था, ये आपका जावा द्वीप है, इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप है, ठीक है, यहाँ के उस समय के जो शासक थे, यहाँ के शासक थे उस समय नाम का बालपुत्र देव, ठीक है, बालपुत्र देव का जो है ये पाल शासक से बहुत अच्छा दोस्ती था, ठीक है, पाल शासक से उस समय बहुत अच्छा दोस्ती था, तो कहा जाता है कि बालपुत्र देव ने पाल शासक को बोल करके उसने वहां पे एक मठ नालंदा में एक मठ बनवाया, ठीक है, और कहा जाता है कि बालपुत्र इनका जो मित्र हुआ करता था उस समय बंगाल का पाल शासक था, उस समय शासक था देवपाल, पाल शासक में शासक कौन था, देवपाल को जो है इसने कहा करके, कहा जाता है बालपुत्र देव ने मतलब पांच गांव का राजस्व दान कराया था, यानी कि यहाँ के जो शासक थे बालपुत्र देव, इसने देवपाल को बोला कि मेरे तरफ से आप पांच गांव का दान इसको दीजिए, ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों कि इन सब क्षेत्रों से जो स्टूडेंट पढ़ने आता था, छात्र पढ़ने आता था, तो यहाँ के शासक उससे बहुत ही प्रभावित होते थे और उससे प्रभावित होकर के बहुत सारा दान दिया करते थे उस ताकि विश्वविद्यालय चलता रहे, पूरी दुनिया चाहता था उस समय, यानी कि उस समय जो अभी हम एक एक करके सब चर्चा करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से नालंदा का संचालन किया जाता था। रेवेन्यू राजस्व का माध्यम राजा था, छात्र था, समाज भी सहयोग करता था, इसका मतलब अब यहाँ पे जो गुरु हुआ करते थे वो बहुत वेतन नहीं लेते थे, ठीक है, वेतन नहीं लेते थे, बस उस गुरु का सब दिन सम्मान होता रहे, मतलब जीवन यापन चलता, एक गुरु को जीवन में क्या चाहिए दोस्तों, क्या चाहिए, उसका जीवन यापन ठीक तरीके से चलता रहे, बहुत ज्यादा तो चाहिए नहीं, और पहले गुरुकुल सिस्टम था, गुरु के शरण में जो है कि छात्र पढ़ते थे, गुरु का देखरेख करते थे,
खेती बाड़ी सब साथ में मिलकर करते थे, जीवन यापन ठीक ठाक चलता है, तो इसके अलावा और क्या चाहिए गुरु को, ठीक है। और इस तरीके से इसका संचालन होता था, ठीक है, इसका संचालन। और विद्यार्थियों की संख्या 10,000 थी। और कहा जाता है इस समय, कहा जाता है जिस समय वेन सांग पढ़ने के लिए आया था उस समय सील भद्र यहाँ के कुलपति थे, ठीक है। तो वेन सांग के समय कुलपति कौन थे, यहाँ के कुलपति थे सील भद्र, सील भद्र, सील भद्र यहाँ के कुलपति हुआ करते थे जिस समय ये आए थे, ठीक है। और सील भद्र इनके गुरु, इनके गुरु धर्मपाल, सील भद्र के जो गुरु थे ये थे धर्मपाल, धर्मपाल। अब देखिए धर्मपाल तो, लेकिन इस समय कुलपति कौन थे, सील भद्र थे, ठीक है, सील भद्र। और कहा जाता है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ से छात्र पढ़ने के लिए आते थे, इसीलिए हम फिगर बना दिए। देखिए ये जो नालंदा है ना दोस्तों, यहाँ से ये जावा द्वीप से छात्र आते थे, ये ऑस्ट्रेलिया से आते थे, ये जापान से आते थे, ये तिब्बत से आते थे, चीन से आते थे, मध्य एशिया से, इधर मंगोलिया से आते थे, यहाँ आपका पड़ता है मंगोलिया, ठीक है, मंगोलिया से आते थे, ये मध्य एशिया पड़ता है आपका, मध्य एशिया से आते थे, ये जापान से आते थे, ठीक है, ये मलाया द्वीप कहलाता है, ये मलाया द्वीप कहलाता है, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये सब देश पड़ता है यहाँ पे आपका, बर्मा यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, इन सभी देशों से यहाँ छात्र पढ़ने के लिए आते थे, इन सभी देशों से पढ़ने के लिए आते थे। और कहा जाता है कि जब छात्र आते थे तो उनका जो है इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू द्वारपाल लेते थे, ठीक है, मतलब द्वारपाल को कहा जाता है, ऐसी नॉलेज होता था उनकी, मतलब बॉडी लैंग्वेज का ज्ञाता होता था वो, बॉडी लैंग्वेज का मतलब है छात्र को वो देख करके बता देते थे कि इस छात्रों में कितनी ईमानदारी है, और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता था। कहा जाता है विदेशों से जब छात्र पढ़ने आते थे तो 100 छात्र में मात्र 10 का सिलेक्शन होता था, और जिसका सिलेक्शन हो जाता था वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता था कि मेरा नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। अब बाकी 90 छात्र घूम के जाते थे ऑस्ट्रेलिया से, विदेशों से घूम के जाते थे। ये उस समय बिहार की उपलब्धि थी दोस्तों, ये ख्याति प्राप्त था बिहार का, ठीक है, इन सब देशों से पढ़ने के लिए छात्र आते थे। और प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होता था। कहा जाता है द्वारपाल होते थे, द्वारपाल का मतलब गेटमैन होते थे, उसको चौकीदार। वर्तमान में नरेंद्र मोदी अपने आप को जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने आप को द्वारपाल कहा। द्वारपाल का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि किसी भी गलत व्यक्ति को एंट्री नहीं देने देना, ठीक है। तो द्वारपाल कहा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज के ज्ञाता होते थे, वो उसी छात्रों को जाने देते थे, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर देख के वो बता देते थे कि ये छात्र कैसा है। और 100 में 10 का चयन होता था, सोचिए ये हमारा बिहार का सिस्टम था दोस्तों उस समय। सौभाग्यशाली हैं हम लोग उस बिहार की धरती में जन्म लिए हैं, वही गौतम बुद्ध की बिहार की धरती, वही महावीर की बिहार की धरती, ठीक है। और कहा जाता है यहाँ के जो गुरु के नाम, यहाँ बहुत सारे गुरु के भी नाम आए हैं, जैसे यहाँ के गुरु थे सील भद्र, ठीक है, धर्मपाल, सबका नाम लिख देते हैं दोस्तों कुछ का, ताकि कभी क्वेश्चन भी पूछे तो आपको जानकारी भी रहे। यहाँ के गुरु के नाम लिख देते हैं, सील भद्र, सील भद्र, धर्मपाल, धर्मपाल, बहुत सारे गुरु हैं सबका नाम लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद चंद्रमिति, स्थिरमिति, इन दोनों को कहीं कहीं मतलब कि भाई भी बताया गया है। चंद्रमिति, स्थिरमिति, स्थिरमिति, इन दोनों को कई सारे इतिहासकार भाई भी बता दिए क्योंकि दोनों में मिति लगा हुआ है, लेकिन कुछ इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद प्रभा, प्रभामित्र, जनमित्र, गुणमति, प्रभामित्र, जनमित्र, गुणमति, ये सब यहाँ के गुरु रहा कर हुआ करते थे, ठीक है। इन सब गुरु का, हालांकि गुरु तो दोस्तों बहुत रहे, लेकिन कुछ का नाम जो है मिला है उसको लिख देते, जैसे ज्ञानचंद्र, ठीक है, इसी में आपका थे ज्ञानचंद्र, ज्ञानचंद्र, ठीक है। उसके बाद नागार्जुन, नागार्जुन थे, वसुबंधु थे, धर्मकृति थे, ठीक है, चरक थे, और आर्यभट्ट तो आप लोग जानते ही दोस्तों, ये जो आर्यभट्ट है ना, ये जो पटना से आगे कानपुर इसी आसपास के क्षेत्रों में आर्यभट्ट रहते थे, आर्यभट्ट भी थे, ठीक है, आर्यभट्ट जिसने जीरो दिया, तो ये बिहार की धरती है जिसने दोस्तों जीरो दिया है, ठीक है, ये बिहार की धरती से थे आर्यभट्ट जिसने जीरो दिया। और क्या बिना जीरो का मतलब कैलकुलेटर काम करेगा आपका, सोचिए, ठीक है, यानी गणित का ज्ञाता माना जाता है इस बिहार की धरती पर। आज भी बिहार के छात्र कहीं कहीं गणित में आगे ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन सारे गुरुओं का नाम आता है,
ठीक है। तो ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थिति था उस समय। और देखिए, और कहा जाता है कि अलग अलग विषय के लिए अलग अलग शिक्षक होते थे, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि अलग अलग, मतलब जो गणित पढ़ेंगे गणित का अलग शिक्षक होते थे, यानी हर सब्जेक्ट का अलग अलग शिक्षक होते थे, अलग अलग शिक्षक होते थे। व्हेन सांग कहता है, व्हेन सांग के समय कुलपति सिल भद्र रहे, उनका गुरु भी यही थे, व्हेन सांग के गुरु भी सिल भद्र थे। व्हेन सांग कहते हैं कि सिल भद्र को वो सर्वज्ञानी बताते हैं, सर्व ज्ञानी बताते हैं, ठीक है। यानी सिल भद्र को वो सर्वज्ञ ज्ञानी बताते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि इनको सभी सब्जेक्ट के ज्ञानी बताते हैं ये, तब तो ये कुलपति रहे होंगे, कहीं कहीं हो भी सकता है, ठीक है। सर्वज्ञानी समग्र ग्रंथों का ज्ञाता बताते हैं, यानी यह सभी विषयों के ज्ञाता थे, ठीक है। व्हेन सांग यहाँ पे कहा जाता है 18 महीना रहे थे, ठीक है, 18 महीना यहाँ रहे थे। तो ये आपका स्थिति था। उसके बाद देखिए, यहाँ कौन कौन विषय का शिक्षा दिया जाता था, देखिए यहाँ कौन कौन विषय का शिक्षा दिया जाता था। देखिए, अगर इसमें विषय की अगर हम बात करें, इसमें कौन कौन का विषय का शिक्षा दिया जाता था, तो इसमें आपका मूल रूप से तो यहाँ पे बौद्ध धर्म के महायान शाखा का शिक्षा दिया जाता था, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का महायान शाखा, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करिएगा, हीनयान और महायान है, महायान शाखा का शिक्षा दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ बौद्ध धर्म के 18 अन्य संप्रदाय का भी शिक्षा दिया जाता था, महायान के साथ साथ 18 अन्य संप्रदाय। उसके बाद योग की शिक्षा, चिकित्सा, वेद, गणित, ठीक है, साइंस, ठीक है, इन सब का शिक्षा यहाँ पे दिया जाता था, ठीक है, इन सब का शिक्षा यहाँ पे दिया जाता था। और ये सारे विषय का ज्ञान यहाँ दिया जाता था, और यहाँ पे प्रैक्टिकल कराया जाता था। कहा जाता है कि आज भी आप नालंदा घूमने जाइएगा, वहां प्रमाण मिला है चूल्हा का, उसमें कहा जाता है कि छात्रों को मतलब कि धातु ढाल के और उसका नए नए वस्तुओं का निर्माण कराया जाता था, उनको डायरेक्ट सिखाया जाता था, यानी कि प्रैक्टिकल कराया जाता था, यहाँ प्रैक्टिकल कराया जाता था। और अगर नालंदा की उपयोगिता की अगर बात करें कि नालंदा की क्या उपयोगिता है, अगर आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ दिया जाए कि नालंदा की क्या उपयोगिता है, क्या उपयोगिता है इसका, तो इसके बाद आप उपयोगिता, तो विषय के बाद आप क्या लिखेंगे, उपयोगिता। देखिए, इसकी उपयोगिता के बारे में कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया इसने, कहीं कहीं नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशों से छात्र पढ़ने आते थे, और यहाँ से पढ़ के जब जाते थे तो कहीं कहीं हमारी संस्कृति जो है विदेश फॉलो करते थे। और आज भी इस आधार पे, आज भी आप चीन जाइए, तिब्बत जाइए, मलेशिया जाइए, इन सभी देशों में भारतीय संस्कृति का प्रमाण दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो कहीं कहीं भारतीय संस्कृति का जो है अंतर्राष्ट्रीयकरण किया गया इसके द्वारा, कहीं कहीं नालंदा विश्वविद्यालय का आधार बना। दूसरा अगर कहा जाए, विचारधारा और संस्कृति का भी प्रचार हुआ, यहाँ की विचारधारा विदेशों में गया। आज हम लोग दूसरे का कॉपी करते दोस्तों, लेकिन एक समय में बिहार का कॉपी कोई करता था, ठीक है। भारतीय इतिहास को जो है सुरक्षित करने का काम किया, कहीं कहीं जो है नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे छात्र विदेशों से पढ़ के आए, और उन्होंने अपने पुस्तकों में भी इसके बारे में लिखा, इस नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा। तो बिहार में तो इसकी इतिहास खत्म हो गया, लेकिन उसने जो बचा के रखा था उसी के आधार पर कहीं के भारतीय इतिहास को जो है एक आधार प्रमाण मतलब प्राप्त हुआ। उसके बाद अगर कहा जाए कि वैदेशिक संबंध का जो है मजबूत आधार प्रदान इसने किया, कहीं कहीं यहाँ विदेशों से छात्र आता था तो विदेशी राजा यहाँ से अच्छा संबंध बनाए, तो और इसके कारण से जो है इसका अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, विकास हुआ। तो कहीं कहीं ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है पूरी दुनिया में जो ख्याति प्राप्त किया था अपनी जो है उपयोगिता के कारण किया था, अपनी योग्यता के कारण किया था, यहाँ के योग्य शिक्षकों के कारण किया था, ठीक है। तो ये था आपका नालंदा विश्वविद्यालय का मतलब कि क्या उपयोगिता था। अगर नालंदा विश्वविद्यालय का अगर हम पतन की बात करें कि कैसे नालंदा विश्वविद्यालय का पतन हुआ, सामान्य लोग से आप लोग कह देते हैं कि बख्तियार खिलजी ने आग लगा दिया तो खत्म हो गया। देखिए दोस्तों, आपको एक तर्क देना है, आपको समझना है, सिर्फ एक बातों पर नहीं चलना है, ठीक है। तो अगर आपको लिखने दे दिया जाए, आप तर्क देंगे इसका पतन कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, पतन का कई सारा कारण हो सकता है, ठीक है। एक तो बख्तियार खिलजी तो उसने पतन में कील ठोकने का काम किया ही, लेकिन सामान्य रूप से कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी के आक्रमण से हुआ 12वीं सदी में। लेकिन अगर आपको तर्क देना हो तो आप क्या बताएंगे, देखिए
कहा जाता है कि 10वीं-11वीं सदी में, ठीक है, जब नालंदा की शिक्षा पर बौद्ध धर्म का जब मतलब सिस्टम चल रहा था, वहां बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया जा रहा था, तो 11वीं-12वीं सदी में क्या हो जाता है कि यहाँ बौद्ध धर्म के तंत्रयान, वज्रयान मतलब कई सारे शाखा का निर्माण हो जाता है। और ये तंत्रयान, वज्रयान शाखा कहीं न कहीं जो है अर्थव्यवस्था पे ज्यादा ध्यान देने लगता है, कहीं कहीं लोभ ही लालच हो जाता है, मतलब शिक्षा दे करके लोभ लालच जब उत्पन्न हो जाता है किसी भी चीज में, ठीक है, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलता है। तो इसका मूल कारण ये रहा कि 11वीं-12वीं सदी में क्या हो गया कि बौद्ध धर्म का जो है तंत्रयान शाखा, तंत्रयान वज्रयान शाखा का उदय हो गया, और इसके कारण से धीरे धीरे ये अपना ख्याति को खोने लगा, जो उपलब्धि इनका था उसको खोने लगा, क्योंकि यहाँ तंत्र मंत्र आने लगा, ठीक है, मतलब शिक्षा को जो है पैसे से जोड़ने लगा, और इस कारण से धीरे धीरे अपनी ख्याति मतलब की खोने लगा। कहा जाता है कि इस समय मतलब बौद्धों का जो सबसे प्रबल समर्थक, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय का प्रबल समर्थक था, ये आपका पाल शासक जब समर्थन कर रहा था, और पाल शासक ने क्या किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना दिया। आपको पता है कि भागलपुर से, ठीक है, विक्रमशिला स्टेशन से लगभग 4-5 किलोमीटर पड़ता है आपका, ठीक है। तो आप देखिए, ये नालंदा यहाँ था, पाल शासक यहाँ है, और यहीं पे इसने क्या किया, ठीक है, भागलपुर के पास जो है इसने क्या बना दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना दिया, ठीक है। अब देखिए, पहले ये पाल शासक क्या करते थे, ये नालंदा विश्वविद्यालय में ध्यान देते थे, लेकिन इसने यहीं पे विश्वविद्यालय बना लिया, तो इसका ध्यान किस ओर आकर्षित हो गया, इसका ध्यान विक्रमशिला की ओर आकर्षित हो गया, ठीक है। तो दूसरा कारण ये हो जाएगा कि योग्य राजाओं का समर्थन न प्राप्त होना, या समृद्ध राजाओं का समर्थन नहीं प्राप्त होना, दूसरा कारण ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब तीसरा कारण क्या हो जाएगा, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जब बनने लगा तो यहाँ मजबूत मतलब कि राजवंशों का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। तीसरा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना आप लोग पूरा लिख लीजिएगा इस तरीके से। और सबसे ज्यादा पतन में कील ठोकने का काम किया बख्तियार खिलजी। कहा जाता है कि जब आपको आगे मिडिल हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो मोहम्मद गौरी के जो मतलब समय गुलाम लोग आए थे, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक थे, यलदूज को बाचा, उसी के साथ साथ जो है बख्तियार खिलजी भी आए थे। कहा जाता है पता नहीं बख्तियार खिलजी को बौद्ध विहार से इतना एलर्जी क्यों था, ठीक है, इतना एलर्जी क्यों था कि उसने सारे बौद्ध विहारों को नष्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो कहा जाता है कि इसमें कई सारे कहानी बोलते हैं। कहा जाता है जब बख्तियार खिलजी यहाँ आया था तो पूरे बिहार मतलब पूर्वी भारत को बख्तियार खिलजी ही जीता था। आपको आगे ही पढ़ाएंगे, पूर्वी बिहार को उसी पूर्वी भारत तक को इसने जीता बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। और इसको एनर्जी था एक प्रकार से बौद्ध धर्म से, और इससे इस क्यों एनर्जी था तो कहा जाता है एक जब हुआ ये था, कहा जाता है वो एक बार बीमार पड़ जाते हैं, जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनका जो हकीम था वो उनको ठीक नहीं कर पाते, तो किसी ने उसको सलाह दिया कि आप जो है नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग चल जाइए, ठीक है, वहां आप ठीक हो जाएंगे। और उस समय आयुर्वेद विभाग के जो चिकित्सक हुआ करते थे राहुल श्रीमंत साहब हुआ करते थे, तो कहा जाता है कि इसने मना कर दिया वहां जाने से। जब फिर ये ठीक जब नहीं होने लगे तो फिर ये बोले कि आप चल जाइए, बोला हम एक ही शर्त पे जाएंगे, हम यहाँ का दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और ये भी बोला राहुल श्रीमंत साहब को, ये बोले कि हम आपकी दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप उनको ठीक नहीं किए तो आपका जान भी नहीं बचेगा। तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है दोस्तों कि ये कहीं न कहीं इस्लामिक विचारधारा को लेकर के कट्टरपंथी विचारधारा दिखाई देता। ऐसा क्यों था? ऐसा इसीलिए था क्योंकि ये जो थे बख्तियार खिलजी, ये मध्य एशिया से आए थे और वो 7वीं सदी में इस्लाम धर्म का यहाँ उदय हुआ, और इस क्षेत्रों में आते आते 7वीं-8वीं सदी में मध्य एशिया सब में, ठीक है, ये मतलब इस्लाम धर्म का प्रचार हो चुका था। लेकिन पहले जो मध्य एशिया में था यहाँ बौद्ध धर्म था पहले, तो यही बौद्ध धर्म के लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था, और जब कोई नया विचारधारा पुराने विचारधारा से नए विचारधारा में कोई आता है तो कहीं कहीं पुराने चीजों से उनको क्या ईर्ष्या होता है, उसको खत्म करना चाहता है, ठीक है। और ये लोग पहले बौद्ध थे और इस्लाम में जब कन्वर्ट हुए इनको उससे ईर्ष्या था इस बात का, तो इनका मानना था कि हमारी इस्लामिक संस्कृति से अच्छा बौद्ध संस्कृति नहीं हो सकती है, उनका हमारा हकीम ठीक नहीं कर पाया, ये कैसे ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे क्या, हमारा सिस्टम खराब है, तो इससे ईर्ष्या था उनको। और कहा जाता है कि ठीक भी कर देते हैं राहुल श्रीमंत साहब, मतलब दवा भी नहीं खाते फिर भी ठीक कर देते हैं, लेकिन इनको ईर्ष्या इस बात का था कि हमारी संस्कृति से बेहतर भारतीय संस्कृति नहीं हो सकती है, ठीक है। इस ईर्ष्या के कारण कहा जाता है कि नालंदा में विक्रमशिला में सभी में आग लगा देते हैं, वो ध्वस्त कर देते हैं, और 6 महीना तक धो धो करके जलते रहता है,
ठीक है, और नालंदा विश्वविद्यालय जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो है बहुत दिनों के बाद जब अंग्रेजी शासन आया तो अंग्रेजी शासन में इसमें ध्यान दिया गया और इसको खुदाई करके निकाला गया, खुदाई करके निकाला गया। ठीक है, अभी अगर आप नालंदा विश्वविद्यालय जाइएगा दोस्तों घूमने, ठीक है, हम आपको दिखा भी देंगे, ठीक है, घूमने जाइएगा तो देखिए इस तरीके से यहाँ प्राप्त हुआ है। जब आप जाइएगा तो इधर से गेट है, ठीक है, इधर से गेट है, यहाँ पे जो कमरा प्राप्त हुआ है इस तरीके से कमरा मिला है, ठीक है, आठ कमरा है, आठ कमरा, एक दो तीन, इस तरीके से आठ कमरा है, एक कमरा में जो है 33 इस तरीके से बना हुआ है। देखिए इस तरीके इधर ये पूरा बरामदा बना हुआ है, ये आपका बरामदा है, ठीक है, और ये कमरा बना हुआ इस तरीके से कमरा है, इसमें टोटल 33 कमरा है, एक में, एक में 33 कमरा है, इसी तरीके से ये बना हुआ है 11 कमरा, 11 या 8 है दोस्तों, ठीक है, मैं वहां गया हूँ, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फिगर में, फिगर में दिखा देता हूँ, लगभग 360 कमरा वर्तमान में पाया गया है, 360 कमरा, अभी उसका पूरा बता देते हैं, ठीक है, वर्तमान में इसकी स्थिति ये है, ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान समय में नालंदा को फिर से पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो वर्तमान समय में इसकी स्थिति क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय को इस ख्याति को देख करके, ठीक है, पूरी दुनिया ने ये निर्णय लिया, भारत के साथ साथ बहुत सारे विदेशी मतलब कि लोगों ने भी सपोर्ट किया, ठीक है, और फिर से इसको पुनर्स्थापित करने का काम शुरू किया गया। ठीक है, कहा जाता है कि जिस समय एपीजे अब्दुल कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति थे 2007 ईस्वी में, ठीक है, उसी समय नालंदा की जो है 2007 में दक्षिण एशिया समिति के द्वारा इसको, ठीक है, दक्षिण 2007 में इसको पुनर्स्थापित, वर्तमान में नालंदा के लिए एक नया नालंदा बन रहा है जो बन के अब तैयार हो गया है, ठीक है, वर्तमान नालंदा, ठीक है, वर्तमान नालंदा को 2007 में दक्षिण एशिया समिति द्वारा, दक्षिण एशिया समिति द्वारा पुनर्स्थापित करने का इसको काम किया गया, उस समय एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो कहा जाता है वर्तमान में जो इसका निर्माण हो रहा है वो चारों तरफ से जो है पहाड़ से घिरा हुआ है, जब आप जाएंगे घूमने, वर्तमान में बन गया, बन के कम्प्लीट हो गया है, पहाड़ों से घिरा हुआ वो चारों तरफ से, और वर्तमान में इसकी संरचना जो है नवीनता और प्राचीनता दोनों को देख के दर्शाया, यानी कि प्राचीन काल में जो नालंदा था जो उसको नेचुरल तरीके से जो उनको तैयार किया गया था यानी प्राकृतिक रूप से, ठीक है, वहां पे सारे माहौल प्राप्त था, ठीक है, वो सुंदरता को देख करके प्रकृति को भी और मतलब पुराने चीजों को वर्तमान चीजों को देख करके मतलब कि इसको बनाया जा रहा है। आ इसका सहयोग जो है ऑस्ट्रेलिया, चीन, थाईलैंड, जापान, कहीं कहीं इसको आज भी इनका प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि यहां से छात्र पढ़ के गए हैं तो ये देश आज भी सपोर्ट करते हैं इसको, आज भी सपोर्ट करते हैं। और इसका निर्माण का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अहमदाबाद का एक कंपनी है रोबो कंपनी को दिया गया है, ठीक है, रोबो कंपनी का, इसने जो बिल्डिंग का निर्माण कर, इसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी कर रहा है जिसमें कहा जाता है ट्रेंड टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें 90% बिजली का बचत होगा दोस्तों। और कहा जाता है कि रूम को नेचुरल तरीके से प्राकृतिक तरीके से ठंडा रखा जाएगा, नेचुरल जो पहले था वही नालंदा को फिर से पुनर्स्थापित करने का काम किया जा रहा है, और लगभग ये कंप्लीट हो गया है बन करके, ट्रैक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इसमें, ठीक है, ट्रैक टेक्नोलॉजी का। तो ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है, इसको अगर हम फिगर में दिखा दें थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा फिगर में आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास रहा दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त किया था, और यहाँ पे 7 छात्रों पे एक गुरु होते थे, 90 छात्रों में, ठीक है, 100 छात्रों में 90 छात्र जो है घूम के जाते थे, 10 छात्र का ही सिलेक्शन होता था। ये ख्याति था बिहार का, बिहार को गुरुओं की धरती माना जाता था उस समय, लेकिन आज वही बिहार का दुर्भाग्य है दोस्तों, ठीक है। तो परिस्थिति एक बार फिर से लौटेगा, हम लोग फिर से इसका प्रयास करेंगे और वही बिहार बनेगा, ठीक है, और आज भी। तो चलिए हम थोड़ा इसको फिगर में देख लेते हैं, देखिए ये जो नालंदा विश्वविद्यालय जो वर्तमान में जो खुदाई करके निकाला गया है वो यही स्थिति है। ये जो अशोक के द्वारा जो सबसे पहला स्तूप बनाया गया था सारिपुत्र स्तूप का, वो यही स्तूप बनाया हुआ है, ठीक है। अगर पूरा नालंदा विश्वविद्यालय जो वर्तमान में खुदाई करके निकाला गया है उसको अगर देखा जाए कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। देखिए आप इसमें अगर एंट्री करेंगे, जब आप जाएंगे यहाँ घूमने, तो यहाँ से एक रास्ता गया हुआ है इधर से, और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से 11 कमरा प्राप्त हुआ है, और उस साइड में कुछ स्तूप भी प्राप्त हुआ है उस साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे देखिए आप
एक जो कमरा बना हुआ है इस तरीके से एक विहार, इसमें कुल 33 कमरा है इसमें, अब बरामदा भी है इसी में ये, और इसी तरीके से किसी में 32 किसी में 33 इस तरीके से कमरा बना हुआ है, लगभग सभी सेम है, एक दो में अंतर दिखाई देता है कि कोई दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है। जब आप लोग जाएंगे घूमने किसी प्रकार से दिखाई देता है, अगर इसको इस तरीके से और देखा जाए, देखिए ये देखिए इस तरीके से ये कुछ दिखाई देता है नालंदा वर्तमान में जो खुदाई करके निकाला गया है, ठीक है। ये जो खुदाई करके वर्तमान में निकाला गया है लगभग में 1 किलोमीटर ये लंबाई में होगा और 500 मीटर चौड़ाई में होगा, लेकिन ये पहले कितना था 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा में था, लेकिन अभी पूर्णतः खुदाई करके नहीं निकाला गया है इसको, ठीक है। तो ये स्थिति है आपका, देखिए ये आपका नालंदा की स्थिति है, इस तरीके से कुछ बिल्डिंग वहां प्राप्त हुए हैं आज भी जो है, ठीक है। और इसका जो आर्कियोलॉजिकल स्रोत है जो पांडुलिपियां है जो प्राप्त किया गया वो आज भी यहाँ रखा गया है म्यूजियम में। अब वर्तमान में जो नालंदा तैयार किया जा रहा है वर्तमान में, देखिए इन सभी स्थितियों को देख करके ये वर्तमान का नालंदा है जो तैयार हुआ है। उधर देखिए ये पहाड़ बना हुआ है, इसके चारों तरफ पहाड़ बने हुए, बीच में नालंदा बनाया गया है उसी नेचुरल तरीके से इसको बनाया गया है, और कहा जाता है कि इसके बीच में अगर देखिए आप, ठीक है, तो इसके बीच में झील का निर्माण किया गया है, यानी एकदम प्राकृतिक स्वरूप देने का प्रयास किया गया है इसको जो प्राचीन काल में संचालित होता था इसमें कई सारे। इससे क्या होगा, अब ये जो नालंदा तैयार हो गया इससे जो है कि अब विदेशी आय भी बढ़ेगा, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन आएगा, ठीक है, और कहीं कहीं देश की अर्थव्यवस्था का एक विकास का आधार बनेगा, और विदेशी मुद्रा का भी भंडार भारत में बढ़ेगा, बहुत सारे विदेशी छात्र पढ़ने आएंगे यहाँ, और फिर से उसी मतलब सिस्टम में जो है शिक्षा दिया जाएगा। मूल बात तो ये है कि यहाँ पे मेडिटेशन को ज्यादा ध्यान में रखा गया है शिक्षा के लिए, जैसे बौद्ध यानी गौतम बौद्ध धर्म जो है मेडिटेशन से संबंधित है, वो ज्ञान अर्जन की बात करता है ध्यान करके करता है, तो अभी वर्तमान में जो नालंदा बनाई गई है उसमें भी जो है मेडिटेशन को ध्यान में रखा गया है, वर्तमान में भी मेडिटेशन को ध्यान में रखा गया है। देखिए इस तरीके से कुछ नालंदा तैयार किए गए हैं जो वर्तमान में जो बन रहा है, ठीक है, जो ये तैयार हो गया है वर्तमान में बन करके, ठीक है, ये आधुनिक तरीके से बनाया गया है, प्राचीनता को भी ध्यान में रखा गया है। ये है आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थिति, ठीक है, ये आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थिति है। चलिए तो आज आप लोगों को समझ में आया होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, किस तरीके से पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त किया था और किस तरीके से विदेशों से यहाँ छात्र पढ़ने के लिए आते थे। अगर इसमें कुछ छूट गया होगा दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग और अध्ययन करना चाहते हैं इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है, मैं और प्रयास करूंगा और तक्षशिला विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय इन सभी के बारे में जानकारी दूंगा, ठीक है। बाकी यही इतिहास का क्रम में हम चल रहे हैं दोस्तों। चलिए तो आज इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।